9 मई का दिन हमेशा मुल्की तारीख में यौम तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में 34वें नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि कोई पाकिस्तानी ये काम नहीं कर सकता, ये दहशतगर्द और पाकिस्तान दुश्मन का काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। गवर्नर हाउस कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ से मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, कोई पाकिस्तानी जिना हाउस को नहीं जला सकता। बड़ा दिलखराश वाकया था पाकिस्तान की तारीख में, 9 मई को जो कुछ लाहौर में कायद आजम का वो घर था, जिस तरह ज़ियारत कायद आजम का घर है, वहाँ पर भी दहशतगर्दों ने ज़ियारत में हमला करके उसको तबाह किया था। इस तरह 9 मई को लाहौर में कायद आजम के घर को राख बना दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खेलों के मैदान में भी वफाकी हुकूमत और मैं खुद पूरी तरह हम इस बात पर सहमत हैं कि जितने भी वसाइल हम आपके कदमों में निछावर कर सकते हैं वो कम हैं, क्योंकि वही कौम तवाना होती है जिसके नौजवान तवाना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान की क़यादत ने भी मुलाकात की, जिसमें सूबे की सियासी सूरतहाल और पार्टी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा।